वेलकम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहले हम बताते हैं आपको पार्ट होते हैं, तो तीन पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट का नाम आप देख सकते हैं, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स एंड सर्किट्स फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ऊर्जा संवेग का संरक्षण। आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग को ये पता हो व्हाट इज रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। तो मैं आपको बताता हूँ, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन में सिंपली जैसे आप एक मूविंग कार देखते हो, जो कार चलती है या मूविंग बाइक है, ये आप इसी तरह एक ट्रेन कह सकते हैं जो मूव करती है। तो मूविंग चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो मूविंग करती हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं। और अगर दूसरी बात करें हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट की, तो जैसे आप कोई ज़मीन पर रखा एक पत्थर देखते हैं जो ना हिलता है ना डुलता है, जस्ट अपने प्लेस पर उसी पोजिशन में रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, द सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजिशन और मोमेंट मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, तो जो अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो इनको कोई ना कोई चीज़ रिलेट करता होगा। जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, ये जरूर किसी ना किसी के सापेक्ष होता होगा या कोई ना कोई इसके लिए रेफरेंस होता है। तो आज हम लोग वही जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो रिलेट करता है किसी अन्य चीज़ की पोजिशन को, या तो वो मोशन में होगी या तो वो स्टेट में होगी, तो उस बॉडी को स्पेसिफाई कराता है। तो जो चीज़ें स्पेसिफाई कराता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग दूसरे आसान शब्दों में कहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझ सकते हैं, जिसमें कि एक पोजीशन होती है जिसमें एक मूविंग पार्टिकल पी है और जो इंस्टेंट पॉइंट पर एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको टर्म में अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करें तो आपको भी पता होगा कि कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होते हैं। तो उसमें पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ओरिजिन जो होता है वो सेंटर 0,0,0, जिसको हम लोग नेम दे देते हैं ओ, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पार्ट्स में जो हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को होल्ड करता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। मतलब एक ऐसा नियम जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को फॉलो करता है या जिसमें गति का प्रथम का नियम अप्लाई किया जाता है, वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें गति का प्रथम नियम फॉलो ना किया जा सके। जैसे यहाँ पे लिखा है रेफरेंस और अ फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम और अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच द न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। तो इसमें हम लोग गति का प्रथम नियम फॉलो नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता दें कि ये अनएक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है। चलिए हम लोग अब जानते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को। आई होप आपने अभी जो पढ़ा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ फर्स्ट लॉ फॉलो होता है न्यूटन का मोशन का। तो हम लोग अभी वही चीज़ समझते हैं कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो है क्या। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस में से, वो ये है कि इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट टेंड्स टू स्टे रेस्ट। देखिए, आपको अब थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, हालांकि अब हिंदी में लिखना थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और इंग्लिश में अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो यहाँ हम लोग समझते हैं, यहाँ जैसे लिखा इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्टेट यह है, मतलब उसकी स्थिति यह है कि अगर वो रुका हुआ है तो वह रुके हुए पोजीशन में ही होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन टेंस टू स्टैंड इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में वो पहले था, मतलब मोशन में था, तो वो स्टे होना चाहिए किसमें, मोशन में, विद द सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स।
जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा, तब तक वो चीज़ वैसे ही रहेगी जिस दिशा में और जिस गति पे वो थी। जैसे मैं कह सकता हूँ आपके, आप जानते हैं अर्थ है, अर्थ रोटेट करता है, रिवोल्यूट करता है, तो इस ये अपने एक मोशन में चल रहा है। अब जब तक इस पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट आकर टकराएगा नहीं, तब तक इसके ना स्पीड पे कोई, या मतलब इसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या जैसे मैं कहूँ आप बैठे हुए हैं, आपको जब तक एक फोर्स दे के अप्लाई ना किया जाए कि आपके ऊपर धक्का लगाया जाए, तब तक आप जो है मोशन में नहीं आ सकते, जब तक आप खुद ना चाहे दौड़ने को। तो ये चीज़ें होती है, आप बैठे हैं तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, और अगर आप दौड़ रहे तो आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं। जैसे और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं, एक कार में आप जब बैठते हैं तो कार चलती है, तो जब उस पर एक कह लें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, जैसे ब्रेक मारा जाए, तो यह होता है कि आप जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के अप्लाई किया गया है, तो आप जो है रुक जाएंगे, मतलब आपकी जो है वो मोशन जो है वो चेंज हो गई, थोड़ी सी आपकी जो पोजीशन थी आप चेंज होंगे। तो फर्स्ट लॉ यही हमें बताता है कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। और इसी नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए आपको मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ, और एक आध क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जो आपको जवाब देना होगा। देखिए, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, हालांकि इसको तो न्यूटन ने दिया, लेकिन जो लॉ ऑफ इनर्सिया आप लोग जानते हैं, इसको तो गैलीलियो गैलीली ने दिया था। आप लोग शायद पढ़े हों तो आपको ये ध्यान हो। दरअसल ये चीज़ गैलीलियो गैलीली की जो पॉइंट्स था, तो ये न्यूटन की किसी बुक में, हाँ हालांकि आपको उसी बुक का नाम बताना है, तो ये न्यूटन की बुक में प्रकाशित हुआ था। तो आपको उस बुक का नाम बताना है कि न्यूटन की किस बुक में ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया का जो मोशन था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो प्रकाशित हुआ था। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो, अगले लॉ की तरफ, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इज इन द सेम डायरेक्शन। चलिए हम थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा देते हैं, हालांकि मैंने लिख भी दिया है। यहाँ लिखा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। आयोग पढ़ के आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन आपने जो पढ़ा होगा अभी तक, वो पढ़ा था आपने एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको ये पता होगा जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, त्वरण और द्रव्यमान के। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, या थोड़ा सा और हाई क्वालिटी में जानते हैं कि नई चीज़ क्या है इसमें, जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग एक चीज़ जानते होंगे जिसको हम लोग मोमेंटम और इम्पल्स कहते हैं, कहें तो संवेग और आवेग कहते हैं। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर। संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणे वेग, या मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, जिसको हम लोग जे से कहीं कहीं तो आई से भी किसी किसी किताब में मिलता है। तो आवेग जो होता है वो एफ इंटू डी टी होता है। एफ इंटू डी टी मतलब फोर्स जो बहुत ही कम समय के लिए, या ये कह लें कि सूक्ष्म समय के लिए आरोपित बल, ऐसा बल जो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए आरोपित होता है उसको आवेग कहते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास एक गेंद होती है, जब आप एक कोई खिलाड़ी होता है जो वो कैच करता है, तो एक बॉल जो वो पकड़ता है तो अपना हाथ को पीछे की ओर करता है। ऐसा क्यों करता है? इससे यह होता है कि अगर वो अपने हाथ को वहीं रखेगा तो हाथ पे टकरा करके उसको चोट बहुत तेज लगती है, और अगर हाथ पीछे की ओर करता है तो बल थोड़ा सा कम हो जाता है और उसको चोट कम लगती है। खैर आइए हम इस टॉपिक को अभी आगे समझते हैं, थोड़ा और आगे चीज़ जान लें। तो जो अभी तक हमें पता चला फॉर्मूले से कि भाई किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग में परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी, मतलब फोर्स जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी।
चलिए, अभी हमने पता किया था पी की वैल्यू जो होती है वो एम वी होती है, तो हम क्यों ना इसमें एम वी की वैल्यू रखते हैं। एम वी की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो एफ इक्वल टू जहाँ डी पी अपॉन डी टी था, तो पी की वैल्यू हटा के हम क्या लिख देंगे, एम वी। इसको हम लोग इक्वेशन वन माने थे, तो इक्वेशन वन की वैल्यू हम लोग कहाँ रख दिए, थर्ड में रख दिए, जहाँ पी था वहाँ पर हमने एम वी रख दिया। तो अब हमको भी और आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि जो एम होता है वो कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का होगा वो एक कांस्टेंट होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। तो एम कांस्टेंट है इसलिए उसको आगे ले लिए, और हम लोग वेलोसिटी क्योंकि चेंज भी हो सकती है, क्योंकि कभी भी स्पीड नियत होता नहीं, आप उसको स्लो भी कर सकते हैं फास्ट भी कर सकते हैं जैसे आप बाइक चलाते हैं। तो हमें एक चीज़ पता होता है कि डी वी अपॉन डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वापस वही फॉर्मूला मिल गया जो हमने पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये था डिटेल्ड में पूरा इन्फॉर्मेशन कि एफ इक्वल टू एम ए आता कैसे है, या ये चीज़ हमें पता कैसे चलता है। तो ये इसका अच्छा सा जो है डेफिनेशन था। तो अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि हाँ, हम लोग जो बॉल वाली बात कर रहे थे, आप लोग बॉल वाली बात को करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉल है, जब ये कोई आगे की ओर बढ़ता है तो कोई फील्डर इसको जब पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, मतलब कि जो हमारा फोर्स है वो किस पे डिपेंड होता है, डी पी अपॉन डी टी पर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डी टी सूक्ष्म समय के लिए कार्य किया, सूक्ष्म समय के लिए कार्य जो किया गया बल है वो किसके इक्वल हो सकता है, डी पी के। डी पी मतलब संवेग सूक्ष्म समय के लिए। तो अब हम लोग जैसे मानते हैं हमारे पास बॉल जो है वो डी पी, वो हम मानते हैं एक 100 टाइम संवेग, ताकि हमारे पास 100 जो है कोई यूनिट है उतना हमारे पास संवेग है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास फोर्स जो था वो था 100, तो समय कितना लगा होगा, 1 टाइम। अब मान लीजिए हमारे पास फोर्स जो है वो हाफ हो गया, तो समय कितना लगेगा, 2 टाइम। अच्छा, यही चीज़ मान लीजिए और कम हो गया, 25 हो गया, तो समय कितना हो जाएगा, 4 टाइम। हालांकि आएगा इक्वल ही 100 ही, और धीरे धीरे इसी तरह अगर हम लोग देखें इसको, हम 20 कर दें तो ये हो जाएगा 5 टाइम। तो हमें यहाँ से दिख रहा है, या और भी थोड़ा समझ लेते हैं, 20 के बाद अगर हम लोग इसको 10 करते हैं तो 10 अगर है तो 10 को 10 टाइम करेंगे तब 100 आएगा, और अगर हम लोग इसको 1 कर दें और टाइम 100 कर दें तब भी ये क्या आएगा, 100। इस पूरे कंडीशन में हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो फोर्स है वो हमारा घट रहा है और जो टाइम है वो हमारा बढ़ रहा है। तो यही चीज़ होता है उस कैच पकड़ने वाले फील्डर के साथ, जब वो कैच पकड़ता है और हाथ पीछे की ओर करता है तो जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स वो कम होता रहता है और जो टाइम है वो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से उसको चोट कम लगती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग अगले लॉ की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ जो है ये स्टेट कर, यह हमें बताता है कि अगर आसान शब्दों में कहें कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, अगर भाई एक्शन किया जाए तो उसका रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ हमें यही बताता है, स्टेट दैट टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जी, कि यह हमें बताता है एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट, कि अगर कोई फोर्स है लगाया जाता है तो वह भी बराबर होता है रिएक्शन फोर्स के, कि अगर कोई फोर्स एक्शन करते हैं तो अपने रिएक्शन फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। इसी को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, कि अगर आप कोई क्रिया करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया भी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, हमारे पास आपने देखा होगा कभी फायर करते हुए किसी बंदूक को या किसी तोप को, तो जब कोई चीज़ फायर करते हैं तो एक्शन करते हैं तो गोली जो होती है वो आगे की ओर जाती है बंदूक की, और बंदूक हल्का सा झटका मार के पीछे की ओर आता है। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का काम होता है। या तोप चलाने में भी, पुराने जमाने में आपने किसी मूवी में जरूर देखा होगा, तो तोप जब चलता है तो हल्का सा हिल के पीछे की ओर आता है, तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का काम होता है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के दीजिएगा।